एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ आज आई हूँ नाइका के हेड को अवार्ड करने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इस कंपनी और इस ब्रांड के साथ बहुत ही इन्वॉल्व हूँ और फाल्गुनी मैम ने जो किया है इस कंपनी के साथ और उनके बिजनेस के साथ, आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग फॉर वुमेन एंड मैन अलाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया. आपको थोड़ा लाउड होना पड़ेगा सर. नहीं नहीं, खुद का नाम नहीं आता, मम्मा का नाम आता है हमेशा. शी इज़ द वुमन ऑफ एवरी ईयर आई थिंक. जी इक्वालिटी, आई थिंक हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. ऑफकोर्स बहुत लंबा रास्ता है लेकिन एटलीस्ट हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स अ बिग डील. Happy Diwali everyone, please be safe. Thank you. Yeah.
वेलकम मैम, आई टेल यू बहुत एक्साइटेड हूँ. सबसे पहला आई थिंक वो विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है. सो आई जस्ट आई थिंक नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. आई एम हैप्पी टू बी हियर सीन इन पर्सन. जी जी विमेन ऑफ द ईयर हैव टू पिक वन. आई थिंक एवरीवन डिड अमेजिंग वर्क. आई रियली लाइक आलियाज वर्क, दीपिका. सो आई डोंट नो, इट्स हैव टू पिक वन. मैं अगले फिल्म अभी आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम. आई एम डिसाइडिंग. आई एम ओपन टू एनीथिंग. जो भी मैं कर सकता हूँ. तो सबको आई थिंक खूब मनाए दिवाली. आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स. आई थिंक पूरे देश को लाइट अप करती है दिवाली. तो एवरीवन एंजॉय. थैंक यू. थैंक्स. Very excited. बहुत सारे चीज, मतलब एक बाइट में कैसे कह सकता है. अरे यार, हैप्पी दिवाली. वेलकम. Bye.
First time attend कर रही हूँ, so obviously that's gonna be new and exciting for me. And it's nice to be around whenever it's about women. I think I've started finding my default events or appearances or venues to be present at, and it's nice to be here. Looking forward to meeting a lot of other women who are gonna be there, making the evening brighter and nicer. So yeah, let's see who all are there. I have no idea actually. I'm in for a good surprise, a pleasant one, I guess. जी लास्ट ईयर या इस साल की बात कर रहे हो यार? इस साल हाँ, आई होप खत्म एकदम फिनाले की तरह हो विद सांड की आंख ऑन 25th of October. आई एम होपिंग द ईयर विल एंड विद अ बिग बैंग फॉर मी, तब कंप्लीट महसूस होगा. अभी अभी कुछ ऐसा सीप इन नहीं हुआ है कि कैसा हो रहा है. अच्छा चल रहा है, बट कंप्लीट तब फील होगा जब इस फ्राइडे मजा आएगा. पहले जाके देखूंगी हु ऑल आर देयर. पर्सनल व्यू, आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस एंड सेट ऑफ ज्यूरी मेंबर्स हु डिसाइड, एंड हुएवर दे डिसाइड, आई थिंक द एज इट इज द पीपल हु गोना बी प्रेजेंट देयर आर विनर्स इन सम ऑफ द अदर कैपेसिटी, दैट्स व्हाई दे आर हियर. एंड लेट्स सी हु द ज्यूरी थिंग्स आउट ऑफ व्हिच. आई मीन आई हैव नो आइडिया हु ऑल आर देयर नॉमिनेटेड एंड ऑल, सो लेट्स सी हु ऑल आर देयर. बट आई थिंक मोर ऑर लेस एवरीवन हैज एन अचीवमेंट इन देयर बैग टुडे टू बी प्राउड ऑफ. अभी आप याद मत दिलाओ ना मुझे, मैम लाइक आई हैव कम ऑफ द प्रमोशन जोन, सो आई डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस्ड मोर. अभी स्क्रीनिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, वी हैव ओपन्ड द फिल्म अप अ वीक बिफोर बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फिल्म, सो लेट्स होप पीपल लव इट. अ वेरी हैप्पी दिवाली जब आने वाली है, जो हमारा बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, फैमिली के साथ मनाइएगा. आई होप यू ऑल गेट अ चांस टू टेक योर फैमिली आउट. डू वॉच अ फिल्म, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. सेंसर बोर्ड हैज बीन काइंड टू गिव अस अ यू, सो आई एम श्योर यू कैन टेक एवरी वन इन योर फैमिली टुगेदर फॉर अ गुड हैप्पी दिवाली आउटिंग दिस ईयर. थैंक यू. दैट्स इट, वाओ.
Yes, big meat, yeah. I was No, why? I want to be on that side. बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ और करण यहाँ है तो मेरे लिए बहुत बड़ी डील है। मैं पर्सनल वाला बोल सकती हूँ, आई थिंक मेरे लिए हमेशा मेरी दादी रहेगी, क्योंकि वो शी इज़ ओल्डर देन 80 ईयर्स ओल्ड एंड वो अभी तक हर रोज़ काम के लिए जाती है, हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के योगा करती है, तो मेरे लिए हमेशा मेरी दादी ही सबसे इन्फ्लुएंशियल रहेगी। हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हैं, तो बहुत एक्साइटिंग है जी। हाउसफुल बहुत फनी है यार वो बाला, मैं वो गाने पर डांस ही करती रहती हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स वेरी फनी, सो आई कम टू वॉच। आई कम्प्लीटली बिलीव इन इक्वालिटी, आई थिंक वुमेन आर इक्वल, लाइक एज इक्वल एज मैन इन एवरीथिंग, एंड वी शुड बी ट्रीटेड द सेम वे, वी शुड बी पेड द सेम वे, सो इफ वी बिलीव इन इक्वालिटी इन वन थिंग, वी शुड बिलीव इन इक्वालिटी इन एवरीथिंग। आपने पोस्टर देखा, पसंद आया? थैंक यू। बहुत एक्साइटिंग है, तो इट्स कमिंग आउट 6 दिसंबर और अभी और बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली है, ट्रेलर जल्दी आने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड। डैड तो बहुत खुश थे क्योंकि मैं फाइनली एक कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ और वो कॉमेडी करते रहते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड। मुझे मेरे फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं अभी 2 फिल्में ख़त्म हो गई है मेरी, तो मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और मेरी तरफ से सबको हैप्पी 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 दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।